आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। आदाब और नमस्कार, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज़। अगर अब तक के आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और हां, अपने कमेंट्स ना हमें ना भूले। तो चलिए हम आज बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। हमारे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनका आज जन्मदिन है, बर्थडे है, यानी जो हमें पैदाइश है। और इस मौके पर भिवंडी में हमारे वरिष्ठ नेता फाजिल अंसारी साहब ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा जो भिवंडी के सनोवर हॉल में पेश करेगा। और इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट की हैसियत से जो है हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब अदीब साहब मौजूद थे और उनसे हमने कुछ सवाल किया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस जन्मदिन के मौके पर आप क्या कहना चाहते हैं, देश के बदलते हालात पर आप क्या कहना चाहते हैं। आइए उनके जवाब को सुनते हैं और इस प्रोग्राम की झलकियाँ आपको दिखाते हैं कि इस प्रोग्राम में किन किन हस्तियों ने क्या क्या कहा और इस प्रोग्राम का जो आयोजन किस तरह से हुआ। मैं अपने सहयोगी खान फख्र आलम के साथ सुल्तान कुरैशी। देखिए, मैंने बहुत अपील की है कि जितने मुस्लिम तंजीमें हैं, मुस्लिम दानिश्वर हैं, उन सबको बैठना चाहिए सर जोड़ के कि इस मुल्क में जो इलेक्शन होता है वो कुर्सी के लिए होता है। हमारे यूपी में जो इलेक्शन होने जा रहा है, अगर योगी आदित्यनाथ हारेंगे तो अखिलेश आएंगे, कुर्सी की लड़ाई है, मायावती आएंगे या कांग्रेस आएगी, लेकिन हमारा वजूद कहाँ? हम तो अब हाशिए पे हैं। हमसे कहा जाता है तुम्हारा वोट नहीं चाहिए, तुम मजबूर हो मुझे वोट दोगे क्योंकि तुम्हें आरएसएस से लड़ना है, आरएसएस तुम्हें मार देगा। जब ऐसी कैफियत पैदा हो जाए और मुसलमान इररिलेवेंट हो जाए तो उस वक्त तो दानिश्वरों को, उलमा कराम को बैठना चाहिए कि हमें क्या करना है। मैं अपनी कौम के हर फर्ज से कहता हूँ, इलेक्शन लड़ना और जीतना उनकी सियासी गुत्थी है, हम कहाँ हैं? अगर दलित, कई जैसे मैंने कहा, वो खुदकशी भी कर लेता है तो कमीशन बैठ जाता है, और मुसलमान को सड़क पे लिंच कर देते हैं, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो कह सके कि नाइंसाफी हो रही है। इसलिए हमने हिंदुस्तान को ऑप्ट किया था। ये सारी जमातें जो अपने को मुस्लिम जमातें कहती हैं या पॉलिटिकल जमातें कहती हैं, इन सबको बैठना चाहिए और इनको सोचना चाहिए कि इनकी कौम कहाँ खड़ी। आज जो हश आज से 50 साल पहले दलितों का था, 25 साल पहले दलितों का था, वो आज मुसलमान का है। अगर आज मुझे सड़क पर कत्ल कर दें तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि कोई पार्टी आके बोलेगी? क्योंकि अगर मुझे हिंदू आतंकवादियों ने मारा, मिसाल के तौर पर सलमान खुर्शीद ने एक बयान लिखा, एक किताब लिखी कि जिन लोगों ने ये हिंदू आतंकवाद फैलाया हुआ है, ये आईएसआईएस वाले, उनकी पूरी कौम खड़ी हो गई। हमारे यहाँ कोई है? हमारे यहाँ जो उलमा हैं, जिनके पास पैसे हैं, अभी मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ़्तार कर लिया, इतने बड़े बड़े उलमाओं को गिरफ़्तार कर रहे हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, हम मुकदमा लड़ेंगे। ये मुकदमा लड़ने का सवाल है? गरेबान में हाथ डालने की बात है? हमने यहाँ ताबेदारी के लिए इस मुल्क को नहीं अपनाया था, हिस्सेदारी के लिए कहा था, और ये कहा था कि तुम हमारे बड़े भाई हो। हमने गांधी ढूंढा था, अब कोई गांधी की तलाश अगर करनी है तो सारी जमातों को खड़ा होना पड़ेगा। इसीलिए मैंने अपने बयान में कहा है कि ओवैसी जो सोचता है वो मैं भी सोचता हूँ, वो हर मुसलमान सोचता है, लेकिन ओवैसी के कारगुजारी के मैं खिलाफ हूँ। इसलिए कि तुम मौका मत दो इनको, अगर तुम मुस्लिम पार्टी बनाओगे तो फिर बजरंग दल में क्या नुकसान है? वो कहते हैं हम बनाएंगे। हमको ज़रूरत है कि हम जितने भी सेकुलर अपने को कहते हैं उनको आईना दिखाएं और उनसे कह दें कि तुम इस मजबूरी में मेरे साथ नहीं आओगे कि मजबूरन मुझे वोट दोगे। कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम कह दें कि जाओ तुम अपने इलेक्शन लड़ो, हम बाहर बैठते हैं। मैंने बहुत लोगों से कहा कि एक ऐलान करके देख लो कि हम इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर ये इलेक्शन
रोजी रोटी पे होगा, मुसलमानों के गर्दनों पे नहीं होगा। और मुसलमान जो है कब तक जनाजे उठाएगा, उसके कंधे अभी तक सूजे नहीं है, उसकी समझ में अभी भी नहीं आता कि उसके नाम पे इलेक्शन होता है। ऐसा बदनसीब मुल्क है ये कि मियाँ को कौन ठीक करेगा। 2014 में मोदी यही कह के आए थे कि माइनस मुसलमान हम जीतेंगे, और जब वो जीत गए तो हर पार्टी ने कहा कि भाई मुसलमानों से दूर रहो। और ये जाएंगे कहाँ, ये तो वैसे ही खौफजदा कौम है, ये मरी हुई कौम है, ये हमको जिताने के लिए बीजेपी के खिलाफ वोट डालेगी। इस परसेप्शन को निकालना होगा, और इसके लिए जो भी जमातें हैं, जो भी दानिश्वर हैं, मैं बार बार हर जगह जाके कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते ऑल इंडिया बेसिस पर सारे उलमाओं को, सारे बुज़ुर्गों को, दानिश्वरों को बिठा लो और आगे का मुस्तकबिल का फैसला करो। और कभी अगर तुमने ये फैसला कर लिया कि हम इलेक्शन से हट जाते हैं, उसी दिन यहाँ की आवाम सड़कों पे निकल आएगी कि तुमने मेरे मुल्क का क्या किया। सर, ये जमातों को आप बैठाने की बात कर रहे हैं कि सारी जमातों को आप बैठाएगा कौन? सिर्फ बयानबाजी से तो काम नहीं चलेगा। देखिए, यही तो मसला है सबसे बड़ा, इसका फ़ायदा क्या हो रहा है। ये जमातें अपने वजूद के लिए लड़ रही हैं, कोई ऐसा शख्स दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैंने इसीलिए अभी एक छोटी सी कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैंने कहा कि कोई एक शख्स हमारे ऐसा नहीं है जो क़यादत कर सके। इनफरादी क़यादत अब नहीं हो सकती, इज्तिमाई क़यादत होनी चाहिए, यानी हर जमात का नुमाइंदा हो, दानिश्वरों का एक नुमाइंदा हो, एक 25-30 आदमियों की एक कमेटी ऐसी बने और वो फैसले करे। क्योंकि अब मुसलमान किसी एक के इर्द गिर्द आने वाला नहीं है, क्योंकि हमारे पास अब न कोई चांद है न कोई सूरज है। ये छोटे छोटे आपको सितारे दिख रहे हैं, तारे दिख रहे हैं, इसी की मध्यम रोशनी में अपनी राह का तय्यून करना पड़ेगा, और इसके लिए फिक्र करनी पड़ेगी। जब तक हम लोग अपने माजी के लिए तैयार नहीं हैं, अपने मुस्तकबिल के लिए, और माजी में जीना चाहते हैं, तो हम उस सतह पर खड़े हैं। अब इसके नीचे तो कोई जगह बची नहीं है।